हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता और आप सोच रहे होंगे ये लाल टमाटर लेके श्रुति क्यों बैठी है क्योंकि आज मैं टमाटर से जुड़ी बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं दोस्तों टमाटर के बिना तो हमारी किचन अधूरी है अगर घर में टमाटर ना हो और कोई सब्जी बना लो ना तो उसमें टेस्ट भी नहीं आता और ना ही उसका कलर इतना अच्छा आता है तो टमाटर तो एक, एक तो हमारे सब्जियों का स्वाद भी बढ़ाता है और साथ ही हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है तो आज मैं टमाटर के फ़ायदे आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसको यूज़ करने का तरीका शेयर करूँगी और साथ ही कुछ नुकसान भी शेयर करूँगी जिसे जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आज का वीडियो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आओ तो ये जो रेड कलर का टमाटर है ना वैसे ही आपको रेड कलर का वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा तो उसे क्लिक कर दीजिए पगल में लगी घंटी बजा दीजिए घंटी बजाएंगे तो जो मेरी नोटिफिकेशन है वीडियो की जब भी मैं अपलोड करूँगी आप तक पहुँच जाएंगे मैं नहीं चाहती ना कि आप मेरी कोई वीडियो मिस करें तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर बजा दीजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग टमाटर के बहुत इंपॉर्टेंट फायदे के बारे में बात कर करते हैं ये जो लाल लाल टमाटर है ना पेन किलर का भी काम करता है जी हाँ अगर आपके शरीर में दर्द रहता है तो आप रोजाना टमाटर का सेवन करिए जिससे आपके शरीर का दर्द कम हो जाता है लेकिन सेवन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है आपको क्या करना है टमाटर को भूंज लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है उसके बाद आपको रोज़ाना सेवन करना है जिससे आपके शरीर में जो दर्द है वो कम हो जाएगा एंड अगर आपको चोट लग गई है ठीक है सूजन आ गई है बहुत ज़्यादा दर्द है उस समय आपको टमाटर को ना उबाल लेना है पानी में उबाल लीजिए एंड इसकी एक पोटली बना लीजिए हल्का गुनगुना पोटली बना लीजिए और वहाँ पर इसकी सिकाई करिए जो दर्द होगा ना आप देखेंगे तुरंत ही ये टमाटर उस दर्द को खींच लेगा बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है आप जरूर इसे ट्राई करना है ना ट्राई करने के बाद अपना अनुभव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना एंड दोस्तों अगर आप टमाटर से जुड़े कोई नुस्खे जानते हैं इस तरह के तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका कमेंट मुझे भी आ, मेरे लिए भी फायदेमंद होगा और मेरे दर्शक के लिए भी फायदेमंद होगा तो कमेंट जरूर करिएगा इससे जुड़े जो भी जानकारी है आप लोग के साथ मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा दोस्तों ये जो टमाटर है ना आपके दांत और हड्डियों को मजबूत कर सकता है कैसे क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है कैल्शियम और आपको पता होगा कि हमारे शरीर का 99 परसेंट से ज़्यादा कैल्शियम दांतों और हड्डियों में जमा होता है तो ये जो टमाटर है अगर आप इसे रोज़ाना खाएंगे उससे आपके दांत भी मजबूत होंगे और आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होगी साथ ही आपको बता दें छोटे बच्चे ना जिनके दांत निकल निकलते हैं उनको अगर आप एक पीस टमाटर का टुकड़ा खिलाएँ जब भी उनके दाँत निकले तो उससे ना एक तुमको कैल्शियम मिलेगा तो दांत की जो ग्रोथ है वो जल्दी आएगी ठीक जल्दी उनके दांत निकलेंगे और उनके दांत मजबूत भी होंगे साथ ही टमाटर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैविटीज़ को इकट्ठा नहीं होने देते यानी जो दांत के बीच खाना बच जाता है छोटे बच्चे दूध पीते हैं दूध फंस जाता तो है तो उनके दाँत ख़राब होने लगते हैं तो कैविटीज़ की प्रॉब्लम को भी कुछ हद तक ये कम कर देता है और छोटे बच्चों के लिए टमाटर तो अच्छा होता है लेकिन छोटे बच्चों को ये नहीं कि आप बड़ा सा टमाटर खिला दें उनके लिए बस एक पीस ही काफ़ी एक या दो पीस आप उनको दे सकते हैं एक तो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उनके दांतों के लिए भी अच्छा है और ये जो टमाटर है हमारे आँखों के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों को ये टमाटर दूर करता है और यह टमाटर आपके वेट को भी लूज कर सकता है जी हाँ अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप अपने डाइट में टमाटर को शामिल करिए क्योंकि टमाटर के अंदर फाइबर होता है जो वजन को कंट्रोल करता है दोस्तों अगर आप जिम जाते हो ठीक है आप, अपने वज़न को अपने वेट को लूज़ करने के लिए तो आप जिम जाने से पहले एक टमाटर लीजिए उसमें थोड़ा सा सेना नमक डालिए और उसको खा के इससे आपकी जो एनर्जी है वो बूस्ट होगी अगर आप इसका रोजाना सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने एक्सरसाइज के टाइम को भी इंक्रीज़ कर सकते हो आप जब एक्सरसाइज के टाइम को इंक्रीज़ करोगे तो जैसे बात है आपका वज़न जो है वो और तेज़ी से घटेगा तो एक तो टमाटर फ़ाइबर की मत एक तो टमाटर फाइबर से आपके वजन को कंट्रोल करता है साथ ही आपकी हेल्प भी करता है आपके वजन को घटाने में हाई बीपी रोगी के लिए भी टमाटर बहुत ही अच्छा है क्योंकि टमाटर एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको लाइकोपिन बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ई जैसे कई कैरोटीन मौजूद होते हैं ये सभी एक प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं जो फी रेडिकल से लड़ने में हेल्प करते हैं साथ ही इस लाल टमाटर में पाए जाने वाले पोषक तत्व तो हाई बी को कम करने में हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम टमाटर खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि टमाटर जो है वो फोर लेट से रिच होता है क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे को रीढ़ की हड्डी एंड माइंड से जुड़े ब्रेन से जुड़े रोगों से बचाता है एंड इसमें पाया जाता है कैल्शियम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कैल्शियम हमें उस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उस टाइम कमज़ोर हो रही होती हैं एंड बच्चे की जो हड्डियां हैं वो बन रही हो रेल की हड्डी एंड सर का जो है वो विकास हो जाता है तो उस समय बच्चे को कैल्शियम की ज़रूरत हो, होती है और साथ ही माँ को भी ज़रूरत होती है लेकिन लेकिन मैं यहाँ ये यह बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के टाइम हमें हर कोई चीज़ कोई भी जानकारी पढ़कर या सुनकर हमें नहीं खा लेनी चाहिए हमें सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ मुझे सूट करे वो आपको सूट ना करे इसलिए डॉक्टर से कुछ भी नया ट्राई करने से पहले आप डॉक्टर डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछ लें टमाटर खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे आप कई बीमारियों से बच जाते हैं साथ ही आपको बता दें ये टमाटर रक्त का थक्का रक्त का थक्का आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको नीले नीले नील साँझ से बोलते हैं पड़ जाता है तो ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है लाइकोपिन जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और साथ ही रक्त का थक्का यानी ब्लड का जो रेड रेड जम जाता है ब्लू कलर का जम जाता है उसे जमने नहीं देता है तो ये काफी फायदेमंद टमाटर आपकी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है पोटेशियम और पोटेशियम जो हमारे शरीर के लिए जरूरी खनिज होता है ना उसमें से एक इंपॉर्टेंट होता है तो पोटेशियम की मात्रा ये पूरी करता है तो पोटेशियम युक्त आहार खाने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं ये जो टमाटर है अगर आप पेट के रोग से परेशान हैं तो आप टमाटर का सेवन करें क्योंकि टमाटर हमारे पाचन तंत्र के लिए सहायक होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है लाइकोपिन ये जो तत्व होता है लाइकोपिन वो हमारे पाचन तंत्र की हेल्प करता है तो पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है ये टमाटर अगर आप डेली टमाटर खाते हैं तो इससे आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन माइंड भी मजबूत होता है जी हाँ ब्रेन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए एंड आपके ब्रेन को तेज करने के लिए आप रोज़ाना टमाटर खाएं, इसमें पाया जाता है विटामिन सी जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है अब मैं बात करने वाली हूँ आपके स्किन रोग स्किन रोग क्या होता है आई थिंक हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों मिक्स कर दिए भाई स्किन केयर में तो टमाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो या फिर आपके काले दाग धब्बे हैं टैनिंग आ गई है पूरा फेस नेक हैंड कहीं पे भी आपको टैन हो गया है तो आप टमाटर को यूज कर सकते हो मुहासों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है साथ ही दाग धब्बों को भी दूर करता है ये टमाटर तो एंड आपको बता दें टमाटर के अंदर पाया जाता है लाइकोपिन जैसा कि मैं आप कई बार बता चुकी हूँ ये जो लाइकोपिन होता है ना ये यूवी रे से होने वाले नुकसान से आपको बचाता है साथ ही सनबर्न की जो प्रॉब्लम गर्मियाँ शुरू हो गई है समर आ गया है तो सन की जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो उस सन बर्न की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है कैसे अगर आपको सनबर्न हो गया है आपकी स्किन जो है वो धूप से झुलझ गई है तो आपको टमाटर लेना है उसे कट करना है और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे हल्के हल्के से रगड़ना है ठीक है पाँच से दस मिनट आप लगा लें थोड़ा सा टाइम लेके लगा लें और उसके बाद आप प्लेन वाटर से धुल लें तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी इसके अलावा आप इसे फेस मास्क पर भी लगा सकते हो अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो पिगमेंटेशन के रोगियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्या करना है आपको टमाटर की प्यूरी बनानी है टमाटर की प्यूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट से जो प्यूरी मिलती है आप उसे उठा लो जी उस प्यूरी में नमक भी होता है मिर्चा भी होता है आपको तुरंत ताज़े टमाटर की प्यूरी बनानी है उसे पीसना है बड़ी आसानी से बन जाती है और उसमें आप चाहो तो बेसन ऐड कर सकते हो ठीक है बेसन को ऐड कर सकते हो कॉफ़ी ऐड कर सकते हो मुल्तानी मिट्टी ऐड कर सकते हो चाहे तो नींबू की कुछ बूंदें डाल सकते हो या फिर आप प्लेन भी टमाटर ऐसे लगा सकते हो क्यूरी आप लगा सकते हो सूखने के बाद आपको धुल लेना है ये जो है पिगमेंटेशन में भी आपकी हेल्प करेगी आपके रंगत को निखारेगी आपके कलर को निखारेगी ठीक है डाक धब्बों को दूर करेगी मुहासे की जो प्रॉब्लम उसे भी सॉल्व करेगी दोस्तों अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको पिंपल्स होने चाहिए पिगमेंटेशन होने चाहिए वैसे भी आप टमाटर लगाइए आपके लिए बहुत अच्छा है और लगाने के साथ टमाटर खाइए भी जिससे अंदर से आपकी स्किन जो है वो निखरेगी टमाटर जो है बहुत अच्छा क्लिनज़र होता है ये स्किन की गंदगी बहुत अच्छी तरह से साफ करता है तो एज अ क्लिंज़र भी आप टमाटर यूज कर सकते हो डेली क्लींजर आप कोई भी नेचुरल क्लींजर यूज़ कर सकते हो थोड़ा टमाटर लीजिए रगड़िए उसके बाद प्लेन वाटर से धुल लीजिए जो गंदगी है वो सब निकल जाएगी और आपकी स्किन जो है वो हेल्दी बनेगी टमाटर जो है वो हमारे हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये हेयर फॉल को रोकता है जी हाँ अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है टमाटर को यूज करिए टमाटर की प्योरी आपको बनानी है उसे अपने बालों में अप्लाई करना है एज अ हेयर मास्क पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद आप हल्के पानी से धुल लीजिए और थोड़ा सा जो भी आप नेचुरल शैम्पू करते हैं आप कर लीजिए इससे आपके बालों में शाइन भी आएगी ठीक है आपके बाल हेल्दी भी होंगे और आपके बाल स्ट्रॉन्ग भी होंगे एंड हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आप जान लेते हैं टमाटर के नुकसान जी हाँ जिन चीज़ों के फायदे हैं उसके नुकसान भी होते हैं दोस्तों टमाटर किडनी रोगियों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इसके अलावा जिन लोगों को टमाटर से एलर्जी है उनको भी टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए वरना उनकी एलर्जी बढ़ सकती है इसके अलावा हृदय रोग जो होते हैं इसके अलावा जो हृदय रोगी हैं ठीक है थीके? उनको टमाटर नहीं करना चाहिए क्योंकि टमाटर में पाया जाता है पोटेशियम तो हृदय रोग के जोखिम को ये टमाटर बढ़ा सकता है तो उन लोगों को टमाटर का सेवन नहीं करना है और टमाटर को खाते रहिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाते रहिए तो दोस्तों ये थी, थी, थी थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे पास थी मैंने आप लोग के साथ शेयर की आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताना एंड हाँ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बगल में लगी घंटी बजा दो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय टेक केयर